तो बच्चों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो किसी भी रिएक्शन के दौरान, केमिकल रिएक्शन के दौरान, यदि दो या दो से ज़्यादा रिएजेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस केस में एक कंडीशन ऐसी भी होती है कि कोई ना कोई ऐसा रिएक्टेंट है जो बाद में बच गया, और कोई ना कोई ऐसा रिएक्टेंट है जो कि पूरी तरीके से कंज्यूम हो गया ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है ना? ऐसा कब हो सकता है? मान लीजिए जैसे ए और बी दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। अब ए को ख़त्म करने के लिए बी जितना आवश्यक है, यदि मैं बी की क्वांटिटी उससे 10 टाइम्स ले लूँ, बहुत ज़्यादा ले लूँ, तो जाहिर सी बात है कि बी को बचना है, यानी कि रिएजेंट जो बच जाएगा वो एक्सिस में लिया गया है, तो उसको हम एक्सिस रिएजेंट बोलेंगे, और रिएजेंट जो कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया है हम उसको क्या नाम देंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। तो आज हम क्या सीख रहे हैं कि हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो ये तो हमें पता लगी गया कि लिमिटिंग रिएजेंट हम किसको बोल रहे हैं, कि रिएजेंट विच इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब मैं इसके बारे में एक जनरल आपको छोटा सा एक आइडिया देता हूँ, कि जैसे एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं, ठीक है, कि ए प्लस बी एंड इट इज़ फॉर्मिंग ए बी टू, ये एक रिएक्शन है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? तो आंसर इज नो। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहला काम इस रिएक्शन को बैलेंस करने का काम करेंगे ए प्लस टू बी से ए बी टू। ये मैंने रिएक्शन क्या कर ली? बैलेंस कर ली। अब रिएक्शन बैलेंस करने के बाद हम ये लिखेंगे कि इसकी स्टोइकोमेट्री क्या है, या स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 1, इसका 2 और इसका 1 है, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्टोइकोमेट्री ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन ये बोलता है हमसे कि 2 मोल ऑफ ए एंड 20 मोल्स ऑफ बी आर टेकन, 20 मोल्स ऑफ बी आर टेकन विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, विच इज, शॉर्ट में लिख दें LR, LR का मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, आउट ऑफ ए एंड बी। तो आप ये समझ लीजिए, पहले तो हम समझ ही चुके हैं कि एक तो LR होता है लिमिटिंग रिएजेंट जो कि कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका होगा, कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग रिएक्शन। और एक हम बोलेंगे ER, ER का मतलब है एक्सिस रिएजेंट, एक्सिस रिएजेंट यानी कि रिमेनिंग आफ्टर द रिएक्शन, एक्सिस मात्रा में लिया गया है, रिमेनिंग आफ्टर द रिएक्शन, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज बेसिकली एक्सिस रिएजेंट। अब जैसे मैंने क्वेश्चन ये बोला कि मैंने रिएक्शन को मैं दोबारा लिखता हूँ कि ए प्लस टू बी और यहाँ ए बी टू, और हमने जो मोल टेकन है क्वेश्चन में, जो मोल टेकन है वो है 2 मोल इसके और 20 मोल बी के। ठीक है, मोल टेकन हमसे पूछा है कि विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब आप ये सोचिए कि स्टोइकोमेट्री बोलती है कि इसके एक को ख़त्म होने के लिए ये 2 चाहिए, तो इसके 2 को ख़त्म होने के लिए यूनिटरी मेथड से पूछूँ मैं कि कितना बी चाहिए, तो 1 के लिए 2 चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि 2 के लिए 4 चाहिए मैक्सिमम, लेकिन मैं ले रहा हूँ 20। इसका मतलब ये डेटा देखकर ही मुझे पता लग गया कि ये एक्सिस में लिया गया है, तो ये तो बन गया हमारा ER, और ये चीज़ इसकी बगल में ये कम मात्रा में है, तो दिस वन इज कॉल्ड एज LR। अब ये तो मैंने आपको बताया यूनिटरी मेथड से, ठीक है, लेकिन मैथमेटिकल मेथड कौन सा है वो हम समझ रहे हैं। तो मैथमेटिकल मेथड यह है कि आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स टेकन ऑफ रिएजेंट डिवाइड करना है इसको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट ऑफ रिएजेंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट ऑफ रिएजेंट, ये रेशियो हम निकालेंगे, एंड दिस रेशियो इज मिनिमम 4 LR। मैथमेटिकल मेथड देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, हर रिएजेंट के जो मोल क्वेश्चन में लिए गए हैं उसको डिवाइड करना है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से, और ये पूरा रेशियो
मिनिमम जिसके लिए आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अप्लाई करते हैं अपन। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ऊपर वाला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि ए प्लस टू बी से ए बी टू, ये हमारा क्वेश्चन हुआ, इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, 2 और 1 हुए। ठीक है, और क्वेश्चन में मोल टेकन, जो क्वेश्चन में मोल दिए गए हैं वो है 2 और 20। ठीक है, हम साइड में कैलकुलेशन करते हैं, ए के लिए मोल टेकन 2 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और बी के लिए मोल टेकन 20 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, ये अलग से सेपरेट कैलकुलेशन करेंगे। अब आप देखो ए और बी में ये वाला रेशियो कम आ रहा है इस रेशियो की तुलना में, इसका मतलब जो ए होगा वही क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो मैंने ये बोल दिया कि दिस ए इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट, यानी ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, और बी इज कॉल्ड एज एक्सिस रिएजेंट, यानी कि इसकी कुछ मात्रा बच जाएगी आफ्टर द रिएक्शन। क्या समझ गए सब लोग, यानी कि मोल टेकन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, हमें ये रेशियो हर के लिए कैलकुलेट करना है और ये रेशियो सबसे कम जिसके लिए आता हो दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। अब अगला काम सॉल्व करना है मुझे। ठीक है, तो अब सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे मोल मोल एनालिसिस। मोल मोल एनालिसिस, मोल मोल एनालिसिस कैसे लिखते हैं, एन ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, एन बी अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, एन ए बी 2 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। अब इसमें एक सावधानी रखेंगे, सावधानी क्या रखेंगे, पुट ओनली एल आर। तो एल आर तो हम निकाल चुके ना, एल आर कौन सा है, ये एल आर है, तो एल आर की जो मोल हमने क्वेश्चन में लिए गए हैं वो यहाँ पुट कर देंगे। अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो 2/1 इज इक्वल टू एन बी अपॉन 2 बराबर एन ए बी 2 अपॉन 1। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूँ तो एन बी आ जाएगा 4 मोल, लेकिन ये 4 मोल कौन सा आएगा, कंज्यूम्ड, 4 मोल कंज्यूम हो रहे हैं, और एन ए बी 2 यहाँ से सॉल्व करूँ तो आ जाएंगे 2 मोल, ये प्रोडक्ट है तो मैं इसके आगे लिख दूंगा दिस इज फॉर्म्ड प्रोडक्ट। अब आप ये देखो एन बी हमने शुरू में लिया था टी इज इक्वल टू 0 पर 20 मोल, और ये इसका कंज्यूम आ गया, तो हमसे ये पूछा जाए कि रिमेनिंग बी कितना है, तो रिमेनिंग मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू टेकन माइनस कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 16 मोल। क्या बात समझ में आई। अब आप देखो मैं यूनिटरी मेथड के बारे में बात कर रहा था, तो यूनिटरी मेथड कैसे बताता है, आपने बोला एक के लिए 2 खत्म होता है तो 2 के लिए कितना खत्म होगा, 4। अगर 2 के लिए 4 खत्म हो गया, लिया हमने 20, खत्म हुआ 4, बचेगा कितना, 16 मोल। ये 2 के साथ ये करके बनाता है 1, तो ये 2 कितना बना देगा, 2। ये हो गया यूनिटरी मेथड। लेकिन हम क्या करेंगे, मोल मोल एनालिसिस में हम पहले तो ये रेशो मालूम करेंगे, मोल टेकन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल टेकन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसके लिए मिनिमम आ रहा होगा ये रेशो दैट इज कॉल्ड एज एल आर, राइट मोल मोल एनालिसिस, पुट ओनली एल आर, एल आर को उठा के यहाँ रखा, सोल्व करा, ये दोनों निकाले मैंने, और ये दोनों निकाल के आपने जो बी के मोल निकाले ये रिएक्शन में कंज्यूम होने वाले आए, तो रिमेनिंग मोल कितने हुए, टेकन माइनस कंज्यूम्ड, और प्रोडक्ट वहाँ से आपने सोल्व कर लिया, तो दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेशन।